एक डॉक्टर अपना बदला लेने के लिए एक लड़की को किडनैप करके सर्जरी से उसको लड़के से लड़की बना देता है। लेकिन आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को स्पेन की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट बता रहा था कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं और उन 9 में से 3 फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी में उसने हिस्सा लिया है। लेक्चर के बाद घर जाते समय वो एक हॉस्पिटल के सामने रुकता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर ब्लड का एक बैग लेता है। दरअसल रॉबर्ट अपने घर पर वीरा नाम की एक औरत पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। रॉबर्ट वीरा को अपने घर के कमरे में बंद रखता था। वीरा हमेशा एक फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसके पास उस बंद कमरे में करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए योगा करती थी, किताबें पढ़ती थी और अपने कपड़ों को फाड़ कर ड्रावने डॉल्स बनाती। घर पर ही गूंगी औरत समय समय पर उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। इसके अलावा अगर वीरा को किसी और भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो रूम में लगे वॉइस कम्युनिकेटर के जरिए रॉबर्ट की मॉम मेरिलिया से मांग लिया करती थी। जब रॉबर्ट घर वापस आता वो सबसे पहले अपने साथ लाए हुए ब्लड को अपने लैब में एक मशीन में रख दिया करता था। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर हिडन कैमरा से पहले वीरा को देखता, जब उसे कुछ ठीक लगता तो वो वीरा के पास पहुँच। लेकिन एक दिन शाम को जब वह घर वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल वीरा को पता था कि कैमरा कहाँ लगा है, इसलिए कैमरा से बचने के लिए वो दूसरी तरफ मुँह करके वो बुक के पन्नों से अपने शरीर को घायल कर लेती है। जब डॉक्टर उसके पास जाता है देखता है कि उसके पूरे शरीर पर कट के निशान थे। वह तुरंत वीरा को अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में लेकर जाता है और उसका इलाज करने लगता है। तभी वीरा रॉबर्ट से कहती है कि इस पिंजरे में रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते वक्त मन में सोचता है कि अगर वो सच में मरना चाहती है तो उसके जख्म किसी और जगह पर होते। इसके बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक ऐसी एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जिसमें उसे जानवरों के खून की जरूरत थी। और सरप्राइज, अगले कुछ दिनों के बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। और जब रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर बन गया था, इस स्कीम की खासियत यह थी इसे ना तो कोई कीड़ा काट सकता था और ना ही ये आग से जल सकती थी। यहाँ पर रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन को वीरा के नेचुरल स्किन से रिप्लेस करता हुआ उसे कहता है कि अब उसकी स्किन को कभी भी चोट नहीं लगेगी और ना ही उसकी स्किन को मच्छर काटेंगे। लेकिन वीरा को स्किन से बहुत बुरा लगता है। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट इस आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली एक मेडिकल सिंपोजियम में प्रेजेंट करता हुआ झूठा दावा करता है कि वह जानवरों पर एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेसफुल हो गया है, जबकि उसने एक्सपेरिमेंट वीरा पर किया था। वो बताता है कि इनको कभी भी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। रॉबर्ट अपनी इस स्किन इन्वेंशन का नाम अपने वाइफ के नाम पर सिंड्रेला रखता है, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उसे अलग ले जाकर पूछता है कि आखिर में उसने इस आर्टिफिशियल स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि यह स्किन मलेरिया से भी सुरक्षित है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को उसके नॉर्मल स्किन से कुछ अलग लग रही थी। यहाँ पर रॉबर्ट झूठ नहीं बोल पाता, उसे बताता है कि उसने पिक्सेल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में डाल दिया है। अब भले ही रॉबर्ट ने एक चमत्कारी खोज की थी, पर प्रेसिडेंट उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता और वो रॉबर्ट को उसके सारे रिसर्च बंद करने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने फ्रेंड मार्क के पास जाकर उसको सब बता देता है। मार्क उसे कहता है कि अब इसे अपने पुरानी सर्जरी के काम में लौट जाना चाहिए। यहाँ से रॉबर्ट जब घर पहुँचता है तो वीरा थोड़ी देर स्क्रीन पर देखने के बाद उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम्हारे शरीर को किसी और सुधार की जरूरत भी नहीं है। यह सुनकर वीरा उसे थैंक्स कहती है और मन ही मन सोचती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती है ताकि रॉबर्ट उसको यहाँ से आजाद कर सके, पर रॉबर्ट अनकम्फर्टेबल फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरिलिया रॉबर्ट को वीरा के बारे में कहती है कि वीरा बहुत खतरनाक है, इसलिए तुमको उसे मार देना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट मेरिलिया की बात को इग्नोर करता हुआ उससे कहता है कि घर के बाकी सारे नौकरों को काम से निकाल दो, क्योंकि अब उन्हें इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट और सारे नौकरों की वहाँ से जाने के बाद टाइगर का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आकर डोर की घंटी बजाता है, जो कि मेरिलिया का बेटा जेका था। जेका अपना बर्थ मार्क कैमरे में दिखाकर अपनी पहचान देता है। तभी मेरिलिया बाहर आकर उसे घर के अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहाँ विजिटर्स के लिए आना मना है। लेकिन जेका जबरदस्ती घर में घुस जाता है। मेरिलिया ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि वो जेका को किचन में बैठा लेगी। किचन में वो जेका को कुछ खाने को देती है। उसी टाइम पर टीवी पर एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की खबर दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर मेरिलिया समझ जाती है कि जेका यहाँ उसे मिलने नहीं बल्कि पुलिस से छूटने के लिए आया है, क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम की वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। तभी जेका मेरिलिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रोबोट मेरे चेहरे की सर्जरी करके ये मेरा चेहरा बदल दे, ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। जिस पर मेरिलिया उसे कहती है कि रोबोट कभी भी ऐसा नहीं करेगा और
और जल्दी से उसे वहां से जाने को कहती है। उसके बाद जेका किचन में अल्कोहल ढूंढने लगता है, तभी अचानक उसकी नजर सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है जिसमें उसे बीरा योगा करते हुए दिखाई देती है। बीरा का चेहरा देखकर वो उससे पहचान जाता है और सोचता है कि वो यहां कैसे है, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। यहां पर मेलिया किचन में छुपाई गई गन निकाल कर जेका को वहां से जाने के लिए कहती है, पर जेका उस पर कूद कर उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे एक चेयर से बांध कर ऊपर बीरा के रूम में जाने लगता है। लेकिन बीरा के रूम का डोर लॉक देकर वो वापस अपनी माँ के पास आता है और उसे धमकाता हुआ उसे चाबी ले लेता है। पर जैसे ही डोर खोलता है तभी बीरा अपनी सेल्फ डिफेंस में उसे किक मारती है। बीरा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर जेका उसे ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो उस पर कंट्रोल कर उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और वहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच अचानक रोबोट घर वापस आ जाता है, तभी वो सिक्योरिटी कैमरे में से कुछ देख लेता है और गुस्से में अपने गन निकाल कर बीरा के रूम में जाकर जेका को शूट कर देता है। ये देखकर मेरलिया सोचती है कि काश वो बीरा को भी मार डालता। इसके बाद रोबोट जेका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहां से ले जाता है। तब मेरलिया बीरा को रोबोट और जेका के बारे में बताती है कि वो दोनों नाजायज भाई थे। वो बीरा से कहती है कि जेका उसे एक नौकर से हुआ था, लेकिन जब वो पेट में था वो नौकर उसे छोड़कर चला गया। वही रोबोट उसे अपने पुराने मालिक से हुआ था। उसके मालिक ने उससे उस बच्चे को लेकर अपनी 5 पत्नी को दे दिया और सबसे यही कहा कि उसकी पत्नी ने उस बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह कानूनी तौर पर वो दोनों ही उसके पेरेंट्स थे, पर मेरलिया के दिल में रोबोट के लिए ममता थी इसलिए उसने उसका पालन पोषण अपने हाथ से किया। यहाँ पर बीरा मेरलिया से पूछती है कि जेका को ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे जानता है, तो मेरलिया उसे बताती है कि वो रोबोट की पत्नी सिंड्रेला जैसी दिखती है। यहाँ वो बीरा को ये भी बताती है कि जेका की परवरिश अपनी माँ से दूर सड़कों पर हुई थी इसलिए वो बिगड़ गया और एक दिन अचानक पुलिस से बचने के लिए घर आया और अपनी माँ से मदद मांगने लगा। बट तभी सिंड्रेला ने उसे देख लिया और पहली नजर में उससे प्यार हो गया। कुछ दिन बाद वो दोनों घर से भाग गए। बदकिस्मती से उनकी कार एक्सीडेंट होने की वजह से जेका तो बच गया लेकिन सिंड्रेला का चेहरा पूरी तरह से जल गया। तभी रोबोट किसी तरह से सिंड्रेला को गोद में उठाकर घर ले आया और उसने घर के सारे मिरर को छुपा दिया जिससे सिंड्रेला अपना जला हुआ चेहरा ना देख सके। एक दिन सिंड्रेला अपनी बेटी को बाहर गाना गाते हुए सुनता है और उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगता है। तभी उसे खिड़की के शीशे में अपना चेहरा दिख जाता है जो जलने की वजह से काफी डरावना हो चुका था। वो अपने इस डरावनी चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दी। वहीं उसकी छोटी बेटी अपनी माँ की मौत की वजह से सदमे में चली गई। जब मेरलिया वीरा को सब बता रही थी तभी रोबोट जेका की बॉडी को दफनाकर वापस आ जाता है और बीरा की ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसे अपने साथ सुलाता है। थोड़ी देर बाद रोबोट का एक सपना आता है जिसमें उसे वही दर्दनाक घटना दिखाई देती है जो 6 साल पहले हुई थी, जब उसने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा सोशल लाइफ में नॉर्मल हो सकती है। उसकी बेटी को उसकी माँ की मौत से हुई सदमे से उबरने के लिए जो दवाइयाँ दी गई थी उनके असर से नॉर्मा एक टीनेजर लगने लगे थे। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी तभी रोबोट देखता है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, जिसे वो ढूंढने गार्डन में जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक लड़का बड़ी तेजी से बाइक से जाता हुआ दिखाई देता है। वही रोबोट को नॉर्मा के जूते और कोट नीचे पड़ा हुआ मिलता है। उन चीजों को ट्रैक करता हुआ उस जगह पहुँचता है जहाँ नॉर्मा बेहोश पड़ी थी। उसने कपड़े सही से नहीं पहने हुए थे। यहाँ पर रोबोट को ये समझते देर नहीं लगी कि उस बाइक राइडर ने नॉर्मा के साथ क्या किया है। जैसे कि नॉर्मा को होश आता है वो अपने फादर रोबोट को अटैकर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बीरा भी सपने में उसी घटना को देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक यंग लड़का अपनी माँ के साथ एक ड्रेस शॉप में काम कर रहा है। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करता है। अचानक पार्टी में विंसेंट नॉर्मा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे गार्डन में ले जाता है। नॉर्मा को गार्डन में काफी गर्मी लग रही थी इसलिए वो अपना कोट और जूते उतार देती है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसे सिग्नल दे रही है जिससे वो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। शुरू में तो नॉर्मा को बुरा नहीं लगता, पर जैसे शादी के बैंड में खास गाना बजने लगता है वो जोर जोर से चीखने लगती है। दरअसल ये वही गाना था जिसे वो अपने बचपन में गाती थी और जिसके कारण उसकी माँ की मौत हो गई थी। विंसेंट उसकी मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है, तभी नॉर्मा उसके हाथ को जोर जोर से काट लेती है जिसे विंसेंट उसे थप्पड़ मारने लगता है और जल्दी जल्दी उसके कपड़े ठीक करके वहाँ से भाग जाता है। वो इस बात से बेखबर था कि रॉबर्ट ने उसकी बाइक की लाइसेंस ब्रेक को देख लिया है। कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट अपनी बाइक से कहीं जा रहा था तो रॉबर्ट एक कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी वैन से उसकी बाइक को हिट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद रॉबर्ट उस पर बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट उसे अपने घर के पुराने गैराज में ले जाकर बांध देता है। जब विंसेंट उस पर चिल्लाने लगता है तो रॉबर्ट उस पर पानी के पाइप से पानी की बौछार कर देता है। शाम को रॉबर्ट विंसेंट को खाने में सिर्फ चावल और पानी देता है। वहीं विंसेंट की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि विंसेंट की बाइक हमें पहाड़ की चोटी के पास मिली है जिससे हमें
लगता है कि विंसेंट या तो पहाड़ से गिरकर मर गया होगा या फिर वो शहर को छोड़कर चला गया होगा। वही रोबोट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में आता है, पर वो अभी भी उससे डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रोबोट ने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अचानक एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह अपनी जान ले लेती है और इस घटना से रोबोट नॉर्मल डॉक्टर से एक पागल सन की साइंटिस्ट बन जाता है। नॉर्मा के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद वो घर आकर विंसेंट के सारे बाल और दाढ़ी शेव कर देता है। इसके बाद उसे बेहोश करके उसको अपने ऑपरेटिंग रूम में ले जाकर मार्क और अपने दो साथी डॉक्टर्स की मदद से विंसेंट की जेंडर चेंज कर देता है। रोबोट अपनी साथ डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए उनको नकली पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट क्लिनिक इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस चीज को गुप्त रखना चाहता है, इसलिए डॉक्टर उसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं। कुछ घंटों बाद विंसेंट को होश आता है तो वो खुद को ही बंद कमरे में अकेला पाता है। तब से ही वो रोबोट के घर में कैदी का जीवन बिताने लगता है। उसे अपने नए प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखना होता था जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट वाले एरिया हील हो जाता है उसके बाद रोबोट उसके शरीर को और ज्यादा औरत का लुक देने के काम में जुट जाता है, तो उसे औरत जैसे चेस्ट और हाई पिच वाली वॉइस भी देता है। और तब से विंसेंट फुल बॉडी सूट पहनने लगता है क्योंकि रोबोट का ख्याल था कि इससे उसकी नई स्किन सुरक्षित रहेगी और उसकी नई बॉडी को शेप देने में हेल्प भी मिलेगी। अब उस रूम में पहले दिन विंसेंट रोबोट को हिट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रोबोट ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब विंसेंट दरवाजा खोलने लगता है तभी रोबोट अपने गन को लेकर उसे धमका कर वापस रूम में जाने के लिए कहता है। मजबूरन विंसेंट को वापस रूम में जाना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद विंसेंट ओमेन सर्जरी के लास्ट प्रोसीजर से गुजरता है जहां रोबोट उसे अपनी मरी हुई वाइफ सिंड्रेला का चेहरा देता है। यहां पर रोबोट विंसेंट का नया नाम बीरा रखता है। अब स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो बीरा रोबोट के दिए हुए कपड़े को नहीं पहनती और मेकअप को बर्बाद करके रोबोट का विरोध करती है और सिर्फ एक आईलाइनर को अपने पास रखती है जिससे कि वो दीवार पर उसके साथ हुए इस इंसिडेंट को लिख सके। उस कमरे में उसके पास सिर्फ एक टीवी ही मनोरंजन का साधन था जिसके जरिए वो कोई योगा सीखती थी और अपने कपड़े को फाड़ कर डरावनी डॉल्स बनाती है। कुछ दिनों बाद रोबोट अपनी माँ मेरिलिया को घर में बुलाता है ताकि बीरा के देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत पूरी हो जाए। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ अब रोबोट और वीरा काफी खुश रह रहे थे। एक दिन वीरा मेरिलिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं तभी रोबोट का दोस्त मार्क उसे मिलने आता है। मार्क उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कई लोगों के साथ साथ विंसेंट के गुमशुदा होने की भी खबर छपी हुई थी। अब क्योंकि मार्क ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था इसलिए बीरा को पहचान जाता है और रोबोट से कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। इस पर रोबोट अपने ड्रॉवर से गन निकाल कर उसे धमकाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां बीरा के आ जाने से उनकी बातचीत रुक जाती है। बीरा मार्क से कहती है कि उसने ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सहमति दी थी। ये सुनकर वो चला जाता है। शाम को बीरा और रोबोट फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ पर बीरा को जेका के अटैक के कारण अब तक पेन हो रहा था। वो स्क्रीन खोलने के लिए बाहर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेने के लिए रोबोट की गन छुपाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो रोबोट से कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुरंत उसे शूट कर देती है। नीचे मेरिलिया गोली की आवाज़ सुनकर अपने साथ अपना गन लेकर आती है, पर बीरा बेड के नीचे छुपकर उसके आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो रूम के अंदर आती है तो बीरा उसे भी गोली मार देती है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था और अब बीरा आजाद थी, वो कुछ कपड़े और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन बीरा अपनी माँ की शॉप पर पहुँचती है और उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए उसे वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ विंसेंट ही जानता था, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरत में पड़ जाती है और यहाँ पर विंसेंट और उसकी माँ दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।